सही बुखारी हदीस नंबर 66। एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे और लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द बैठे हुए थे कि तीन आदमी वहां आए। इनमें से दो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंच गए और एक वापस चला गया। फिर वो दोनों रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। इसके बाद उनमें से एक ने जब मजलिस में एक जगह कुछ गुंजाइश देखी तो वहाँ बैठ गया और दूसरा अहले मजलिस के पीछे बैठ गया और तीसरा जो था वो लौट गया। तो जब रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गुफ्तगू से फारिग हुए तो सहाबा रदल्लाहु अन्हुम से फरमाया, क्या तुम्हें तीन आदमियों के बारे में न बताऊँ? तो सुनो, उनमें से एक ने अल्लाह से पनाह चाही, अल्लाह ने उसे पनाह दी, और दूसरे को शर्म आई तो अल्लाह भी उससे शर्माया कि उसे भी बख्श दिया, और तीसरे शख्स ने मुंह मोड़ा, अल्लाह ने भी उससे मुंह मोड़ लिया।